एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से हम लोग रिवेल्यूएशन अकाउंट शुरू करेंगे। जैसा कि हम बताए थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग कुछ अकाउंट बनाते हैं जिसका पहला अकाउंट का नाम है रिवेल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद दूसरे में हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट पार्टनर का। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है, एक फ्लैक्चुएटिंग मेथड से और एक फिक्स मेथड से। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है, एक फ्लैक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड से। और लास्ट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ता है तो हम लोग एक बैंक अकाउंट भी बनाते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट की जरूरत तब पड़ता है जब आपको ट्रांजेक्शन में बैंक से रिलेटेड तीन चार टर्म्स दिए हों, तीन चार ट्रांजेक्शन दिए हों और आपको कन्फ्यूजन लगता है, तब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। नाउ हम लोग सिर्फ रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। अभी रिवेल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट है, यहाँ पे पर्टिकुलर रहेगा। कोई डेट का कॉलम नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग इसमें एसेट और लायबिलिटी, एसेट का रिवेल्यूएशन करते हैं और इसका रीअसेसमेंट करते हैं। कब कब करते हैं? दोनों साइड में एसेट और लायबिलिटी होगा, ठीक है। यहाँ पर एसेट जब घटेगा, डाउन होगा, तब लिखेंगे। जैसे कि एसेट में डिप्रिसिएशन आ गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया। जैसे एक मशीन है, मशीन हम लोग खरीदे 10,000 में, एक साल के बाद में इसका डिप्रिसिएशन हुआ, कितना हुआ डिप्रिसिएशन 2,000 मान लेते हैं। अब मशीन का वैल्यू कितना है 8,000, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यू इसका है 8,000 रुपया, 2,000 रुपया डिप्रिसिएशन हो गया, तो मशीन के वैल्यू में 2,000 की डिडक्शन। ये 2,000 रुपया हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेबिट साइड ऑफ रिवेल्यूएशन। और लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तब हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड। यहाँ पर लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तब लिखेंगे, और यहाँ पर एसेट इंक्रीज करेगा तब लिखेंगे, ठीक है। ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा, एसेट जब बढ़ेगा तब लिखेंगे, लायबिलिटी जब घटेगा तब क्रेडिट करेंगे, समझ में आया। और इधर पे एसेट घटेगा तब और लायबिलिटी बढ़ेगा तब। क्वेश्चन नंबर 18, करण एंड तरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट ऑफ करण एंड तरुण एज 31 दिसंबर 2018, ठीक है। लायबिलिटी है क्रेडिटर 10,000 का, बिल पेबल है 7,000 का, कैपिटल है करण का 40,000 और तरुण का 30,000, ओके। कैश इन हैंड 7,000 एसेट साइड में, डेटर्स 26,000, बिल्डिंग 20,000, इन्वेस्टमेंट 15,000, मशीनरी 13,000 और स्टॉक 6,000, टोटल 87,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया जा रहा है कि निखिल एक नया पार्टनर है जो पार्टनरशिप में आना चाहता है, आ रहा है। निखिल इज एडमिटेड एज पार्टनर एंड एसेट आर रिवैल्यू, लायबिलिटी रीअसेट एज फॉलो। पॉइंट नंबर 1 है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स 800 रुपया। डेटर्स के ऊपर में एक डाउटफुल डेट बनाएंगे। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमको लगता है कि डेटर्स मेरे 10,000 का है तो हो सकता है उसमें से 7-800 रुपया पैसा नहीं मिले, इसलिए हम लोग को जो डाउट्स रहता है वो डाउट्स का हम लोग एंट्री पहले कर देते हैं। दूसरा है बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर एप्रिशिएटेड बाई 10%। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज करना। बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट में जितना पैसे हमने लगाए थे उतना 10% इंक्रीज हुआ है। मशीनरी इज डिप्रिशिएटेड एट 5%। मशीनरी का वैल्यू जो है वो 5% से डिप्रिशिएट हो चुका है, डिप्रिशिएट मतलब घट जाना। क्रेडिटर वी आर ओवर एस्टिमेटेड बाई 500। जो हमारे पास क्रेडिटर्स था लायबिलिटी साइड में 10,000 रुपया, वो 500 रुपया ओवर एस्टिमेट किया गया था, यानी कि एक्चुअली में 9,500 का था और हम लोगों ने एस्टिमेशन लगा दिया कि 10,000 का, तो 500 रुपया मेरा एक्स्ट्रा लायबिलिटी बनाया गया था ना, लायबिलिटी क्या हुआ घटा देंगे क्योंकि वो ओवर बना था। इस तरीके से हम लोग कॉलम बना लेंगे, ठीक है। कॉलम दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स 800। हमारे पास डेटर्स है, ये देखो ये डेटर्स का वैल्यू यहाँ पर दिए हुए है 26,000 रुपया, हमको इसमें डाउट है 100 रुपया नहीं मिलेगा, तो हम पहले ही माइनस कर देंगे 800 रुपया। अब हमको उम्मीद कितने का रहेगा, 25,200 रुपये का उम्मीद रहेगा कि हमको 25,200 रुपये मिलेगा, लेकिन मांगेंगे 26,000, ठीक है, मांगेंगे 26,000। हमको डाउट से कि 800 रुपये नहीं मिलेगा, कहीं मिल जाए भगवान भरोसे, लेकिन हमारा उम्मीद है 25,200 रुपये, ठीक है।
₹800 क्या, वही मेरा डेटर्स एसेट है और ₹800 हमने इसके लिए प्रोविजन बना दिया, तो मतलब क्या हमारा वैल्यू तो घट गया। तो हम क्या बोले थे, एसेट में रिडक्शन, एसेट जब भी रिडक्शन होगा और लायबिलिटी जब भी अपवर्ड होगा वो डेबिट साइड, और यहाँ पर एसेट जब भी बढ़ेगा और लायबिलिटी जब भी घटेगा तब लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, ₹800। कोई दिक्कत है, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर एप्रिशिएटेड बाय 10% बाय बिल्डिंग, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ा है, वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यू है ₹20,000, 10% कितना होगा 20,000 का, ₹2,000। उसके बाद बोला है इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ा है, पॉइंट वन और पॉइंट टू क्लियर हो गया। पॉइंट थ्री में बोलता है मशीनरी इज डिप्रिशिएटेड एट 5%, मशीनरी 5% से डिप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ पे टू मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी का वैल्यू है ₹13,000, 13,000 का 5% कितना होता है ₹650। क्रेडिटर वेयर ओवर एस्टिमेटेड ₹500, हमारे पास क्रेडिटर है ₹10,000, ये ₹500 ओवर एस्टिमेटेड है, तो हम लायबिलिटी को ₹500 से घटाएंगे, हमने पहले जो कैलकुलेट किया था वो ₹500 ज्यादा कैलकुलेट कर दिया था, तो ₹500 से कम कर देंगे। बात यहाँ तक क्लियर हुई, सभी पॉइंट क्लियर हो चुका है, करेंगे 4,150 रुपया, 2550, ठीक है। ये पैसा जो है वो पुराने जो पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट, हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद में इन दोनों को माइनस किया, जितना आया 2550, इसको 2:1 में बांटेंगे तो करण का 1700, तरुण का 850 आएगा, ये हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, नए पार्टनर से रिलेटेड और भी कोई जानकारी नहीं, इसीलिए क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही इसका बनाना था। 18 हो चुका, 18 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अब 19 करते हैं। बंधु एन इतिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। 28,000 कैपिटल दोनों का 70,000 है, ठीक है। और एसेट कॉलम में कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक 23,000, डेटर से 19,000 का, बिल्डिंग 65 का, फर्नीचर 15, मशीनरी 13 और स्टॉक 30,000 का। दे एडमिट दीपक इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 10%, फर्नीचर और स्टॉक दोनों ही डिप्रिशिएट हुआ है, फर्नीचर में भी दाग लगा लो और स्टॉक में भी दाग लगा लो, 10% से डिप्रिशिएट हुआ है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया है 20,000 से, यहाँ पर बिल्डिंग में हम लोग को कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जो 20,000 से एप्रिशिएट हुआ है 20,000 हम लोग को बाई साइड में लिख देना है। 5% प्रोविजन टू बी क्रिएट ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स के ऊपर में 5% का प्रोविजन बनेगा, और दीपक अपने लिए 50,000 का कैपिटल लेके आ रहा है और 30,000 का गुडविल लेकर के आ रहा है, एक नया पार्टनर है जो 50,000 का कैपिटल लेकर के आ रहा है और 30,000 का गुडविल लेके आ रहा है। हम लोग को बोला है मेक नेसेसरी लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, तो हम लोग को नेसेसरी अकाउंट में सबसे पहले, नेसेसरी अकाउंट में हम लोग को सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन का एक साइड देख लो, दूसरा है हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इससे जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो हम लोग कैपिटल में डालेंगे और कैपिटल बैलेंस को ले जाकर फाइनली हम लोग बैलेंस शीट में डाल देते हैं, हमारा बैलेंस शीट आ जाता है, उसके बाद में हमारा सम्स कंप्लीट। पहला पॉइंट है फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, डिप्रिशिएट एसेट में डिक्रीज हुआ है, मतलब डेबिट साइड लिखेंगे, तो क्या क्या एसेट में डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर हुआ है 10% का, फर्नीचर का हमारा वैल्यू था ₹15,000, 15,000 का 10% ₹1,500, उसके बाद क्या स्टॉक है, टू स्टॉक 3,000,
बोले बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20,000 बाय बिल्डिंग। हमारा एसेट में इंक्रीजेस हुआ है इसीलिए बाई साइड में लिखेंगे 5%। पहला पॉइंट है फर्नीचर और स्टॉक दोनों 10-10% से डिक्रीज हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने इसके वैल्यू से 10% का डिक्रीजेस कर दिए। पॉइंट नंबर दो, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ 20,000 से, बिल्डिंग एप्रिशिएट कर दिए 20,000, ये 20,000 है ठीक। 5% प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, डेटर्स का जितना भी वैल्यू है उसका 5% निकालेंगे। डेटर्स यहाँ पर बोल रहे 19,000 है, उसका 5% 950 रुपया। टू PBDD प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट 950 रुपया। नेक्स्ट बोला है दीपक इज टू ब्रिंग 50,000 एज हिज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल। ये नया पार्टनर है, क्या बोला है कैपिटल लेकर के आ रहा है और गुडविल लेकर के आ रहा है, तो ये ट्रीटमेंट इधर पे होगा नहीं, कैपिटल अकाउंट में होगा। हम लोग यहीं पर खत्म, 14,550 रुपया ठीक। ये पैसा हम लोग कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। कैपिटल कौन सा, एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल। एग्जिस्टिंग पार्टनर में है हमारा दोनों ही पार्टनर का, हम लोगों ने ये हमारा क्या है बैलेंस आया, ये बैलेंस है, इसको ऐड किया और इसको लेस कर दिया। लेस करने के बाद ये हमारा बैलेंस आया, इसको हमने 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब ये अमाउंट हम लोग कहाँ डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में, याद रखना ये वाला अमाउंट को 8730 और 5820 ओके। इसको अभी हम रब करते हैं, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसको पोस्ट करेंगे। इन लोग का भानु का और एकता का, एतिका का 70,000 रुपया कैपिटल था, तो ओपनिंग कैपिटल था ना, यहाँ पे ईयर एंडेड इसका हुआ है 31 मार्च को 2019 में, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को, यहाँ पे लिखो 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस पेडे, दोनों का 70,000 रुपया। दीपक तो खैर नया पार्टनर है, उसका लिखेंगे नहीं, क्लियर बात समझ में आ रहा है। उसके बाद में प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट 31 मार्च को रिवेल्युएशन का कितना हुआ था, 31 मार्च 2019 को बाय रिवेल्युएशन, रिवेल्युएशन का प्रॉफिट हुआ था कुछ 5820। इतिका का हुआ था 5820, 8730 इसका हुआ था और इसको कुछ नहीं मिलेगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर से रिलेटेड और भी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे अब नए पार्टनर का ट्रांजेक्शन लेना शुरू करेंगे। लास्ट डेट ही रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेकर के आया, कितना लेके आया, 30,000 रुपया लेकर के आया नया पार्टनर ठीक। फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे दीपक जो नया पार्टनर है, दीपक कैपिटल अकाउंट ठीक है। भानु को भी नहीं मिलेगा, इतिका को भी नहीं मिलेगा, 50,000 रुपया जो नया पार्टनर है वो अपना कैपिटल लेकर के आया था वो हम लोग इसको दे देंगे। लेस करने के लिए हमारे पास कोई आइटम नहीं है, इसीलिए इसको यहीं पर ऐड करेंगे 30। ये अमाउंट इधर भी लेके आएंगे, 31 मार्च 2019 लास्ट डेट देंगे, टू बैलेंस सिटी, पूरा अमाउंट इधर पे लिख देंगे 7830 75820 और इसका 80,000। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला नाम भानु का, भानु का कैपिटल कितना है 78730। उसके बाद इतिका 75820। उसके बाद दीपक 8000 इसको ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया।
अब हम लोग को देखेंगे क्रेडिटर है 28,000 का। क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं आया था, ना रिवेल्युएशन में आया ना कैपिटल अकाउंट में आया। तो हम लोग क्रेडिटर का जितना वैल्यू था सभी वैल्यू हम लोग लिख देंगे। 28 हमारे पास कैश इन हैंड है, यहाँ पर है कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक, कैश एट 50,000 उसने अपना कैपिटल दिया और 30,000 उसने गुडविल का दिया। तो 30,000 गुडविल का प्लस 50,000 कैपिटल का ऐड कर लेंगे, 1,03,000 रुपया हमारे पास बैंक में हो जाएगा। नेक्स्ट है डेटर्स, 19,000 का डेटर्स है जिसमें रिवेल्युएशन में हम लोगों ने प्रोविजन उसके लिए बनाया था। हमारे पास डेटर्स था 19,000 का, 500 रुपया का इसमें हमने एक प्रोविजन बनाया था, तो 950 रुपये का ये माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, 18,050 रुपया। बिल्डिंग का हमारा वैल्यू था 65,000, इसमें एप्रिशिएट हुआ था हमारा बिल्डिंग 20,000 से, तो 20,000 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 85,000। फर्नीचर है 15,000 का, फर्नीचर 15,000 में डिप्रिशिएट हुआ था 10% का, यानी कि 1,500 रुपया का, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13,500 रुपया। मशीनरी, मशीनरी में कोई भी चेंजेस नहीं आया था, इसलिए मशीनरी का जो वैल्यू है वो हमने 13,000 रुपया इधर पे लिख देंगे। स्टॉक 30,000 का था हमारे पास, स्टॉक में 10% की गिरावट हुई थी, तो 10% यानी कि 3,000, यानी कि 27,000 हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझा दे रहे, कैपिटल अकाउंट में तो कुछ समझाने की बात नहीं है। कैपिटल में था जो बैलेंस हमारा ओपनिंग 70,000 वो लिख दिए। रिवेल्युएशन में प्रॉफिट हुआ था पुराने पार्टनर को 7,330 रुपया एक को और दूसरे को 5,820 रुपया। नया पार्टनर अपने लिए गुडविल लेकर गया है 30,000 का और अपने लिए कैपिटल लेकर आया 50,000 का। और भी कोई कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, इसीलिए हमने इसी को ऐड किया सभी पार्टनर का इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली उनका बैलेंस निकाल के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट का ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिटर जो था यहीं पर 28,000 ये लिख दिया हमने, ये लो 28,000 हम अच्छे से लिख दे रहे हैं। देखो कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक था बैंक में मेरे पास 23,000 रुपया था, 30,000 रुपये नया पार्टनर अपने गुडविल के लिए लेके आया था वो लिखेंगे, और 50,000 रुपया अपने कैपिटल लेके आया था वो भी बैंक में आया, तो तीनों को मिला करके 1,03,000 रुपया हमारे बैंक में अभी अवेलेबल है। डेटर्स 19,000 का था, 950 रुपये का हमने इसके बिहाफ में प्रोविजन बनाया, तो माइनस करने के बाद में 18,050 रुपया बचा। बिल्डिंग 65,000 का था, 20,000 रुपया इंक्रीज हुआ, 85,000 अभी हमारे पास है। फर्नीचर 15,000 का था, 10% इसमें डिप्रिशिएट हुआ, तो 13,500 का हमारे पास है। मशीनरी टोटल 13,000 रुपये का है, और स्टॉक 30,000 का था जो 10% डिक्रीज हुआ, हमारे पास 27,000 का अभी अवेलेबल। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके देखते हैं कितना आता है, 2,62,550 रुपया हमारा टैली कर गया। मतलब सवाल तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है पूरे सवाल। अगर आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हाँ हमारे चैनल पे नए है ना तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए ना तो घंटा भी दबा दीजिएगा बेल।